गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था महात्मा गांधी का टॉपिक, तो जिसके अंतर्गत हमने महात्मा गांधी के जो प्रमुख भारत के अंदर उनके जो आंदोलन थे, तो 1917 के भारत के अंदर वो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर वो चंपारण के अंदर 1917 के अंदर आते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और चंपारण के अंदर उनको राजकुमार आमंत्रित करते हैं कि आप चंपारण के अंदर आओ और आंदोलन की शुरुआत करो। और इसी आंदोलन को भारत के अंदर महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को नील क्रांति के लिए बताया गया था और साथ ही साथ इस आंदोलन को तीन बटी आंदोलन भी कहा जाता है। फिर बाद में 1918 के अंदर गांधी जी का अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन पड़ा था, उसके बाद में हमने गांधी जी के बारे में जो खिलाफत आंदोलन था उसके बाद खिलाफत आंदोलन जैसे आंदोलन पड़ा था, असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के अंदर घटना की हुई थी, हमने पढ़ा था चोरी चोरा कांड की। यानी यहां तक हमने देखा था और इसके साथ में हमने असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम जो देखे थे, ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी का प्रयोग, फिर है विदेशी माल का बहिष्कार, धरना, हड़ताल। यानी कि गांधी जी जो भी आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलन के अंदर गांधी सबसे ज्यादा स्वदेशी का प्रयोग है, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और विदेशी वस्तुओं के
लाने का मतलब है विदेशी कपड़े वगैरह जो क्या आयात किए जाते हैं या निर्यात किए जाते हैं, उनको उन लोगों ने क्या किया वहां से उनको जलाने के लिए बोल दिया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी विदेशी माल का काम है नहीं लेना। और धरना, धरने का मतलब जहां जहां शराबबंदी है, शराब की दुकानें वगैरह खुल रही थी या ऐसे कॉलेज वगैरह जहां पर सिर्फ अंग्रेजों की बच्ची पढ़ेंगे, इस प्रकार की जो भी संस्था है, जो संस्था है या दुकानों को उन लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया। इसमें खास बात यह कि संविधान में अनुच्छेद 15 का जो धरना वगैरह किया जा रहा है, महिलाओं ने भी शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए हड़ताल का धरना दिया था। और 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी दांडी पहुंचे और दांडी घर पहुंचने के बाद में नमक बनाते और वहीं से इंतजार करते गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है 5 मार्च 1931 को गांधी जी व लॉर्ड इरविन, यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है जिसको दिल्ली समझौता या पेन इंपैक्ट तो इस समझौते के अंदर खास बात यह थी कि इस गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और इसको दिल्ली पैक्ट के इरविन इरविन समझौता भी कहा जाता है। इसमें खास बात यह थी कि इसमें यह कहा गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा कि आप क्या करोगे भारत के अंदर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त कर दोगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है वो गोलमेज सम्मेलन के अंदर आप भाग लोगे। तो गांधी जी बात के राजी हो जाते हैं, वो असविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर वो भाग लेते हैं तो किसी प्रकार की जो उनकी जो मांगे थी गांधी जी की उन मांगों को नहीं माना जाता है, तो गांधी जी उस सम्मेलन से निराश होकर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया था, 1932 इसके अंदर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत, यानी सांप्रदायिक पंचायत का मतलब था कि हाइड्रोजन ने आपस में फूट डालने के अंदर क्या क्या दलितों को हिंदुओं से अलग पृथक करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना की। मैकडोनाल्ड पंचायत भी कहते हैं इसको, सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। तो गांधी जी पास से निराश थे और वहीं से निराश होकर वापस आ जाते हैं और भारत आने के बाद में वापस ये अपने वापस आने के बाद में क्या करते हैं अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे गांधी जी के कुछ सम्मेलन, साथ में देखेंगे हम उनका